गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास है प्रोटोनिक्स की तरफ से न्यूली लॉन्च की गई क्रोनोज गामा स्मार्ट वॉच। हफ्ता भर हो चुका है मुझे इसे यूज करने के बाद बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है मेरा, और अगर आप लोग इसे बाय करने की सोच रहे हैं तो वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे पास है प्रोटोनिक्स की तरफ से न्यूली लॉन्च की गई प्रोटोनिक्स गामा स्मार्ट वॉच। और प्रोटोनिक्स के काफी सारे प्रोडक्ट्स आपने मार्केट में देखे होंगे, जैसे पावर बैंक, डाटा केबल, स्पीकर, माइक वगैरह। तो अब इस स्मार्ट वॉच को जो है हफ्ता भर हो गया है मुझे यूज करते हुए, और इसकी कंप्लीट जो रिव्यू है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके ब्लूटूथ कॉलिंग एक्सपीरियंस को, बैटरी, डिस्प्ले, डिजाइन सब कुछ हम वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, अगर आप लोग प्रोटोनिक्स की स्मार्ट वॉच लेने में इंटरेस्टेड है, आपने कहीं भी देखा हो, तो ये वीडियो इस स्मार्ट वॉच को खरीदने से पहले जरूर देख लीजिए। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं वॉच के साथ आपको बॉक्स में क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक चार्जिंग डाटा केबल देखने को मिलेगी, साथ में है एक यूजर मैनुअल और QR कोड ऐप डाउनलोड करने के लिए। चलिए बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच के ऑल ओवर लुक्स, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे आपको सिलिकॉन स्ट्रैप देखने को मिलता है, स्ट्रैप की क्वालिटी काफी अच्छी यहाँ पे मिल जाती है। साथ में जो बकल है वो भी मैट फिनिश के साथ आपको देखने को मिलता है, और प्रोटोनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पे दी गई है तो वो भी देखने में बहुत ही सही लग रहा है। और जो डायल है यानी कि जो शेप है इस स्मार्ट वॉच की, वो स्क्वायर यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जो कि देखने में काफ़ी सही लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है। और मेटल केस यहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाता है मैट फिनिशिंग के साथ। साथ ही यहाँ पे आपको राउंड शेप में बटन दिया गया है, और आप इसके स्ट्रैप वगैरह भी जो है चेंज कर पाओगे। नीचे की तरफ कुछ सेंसर है, चार्जिंग पॉइंट है, तो ये सब आपको देखने को मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में, डिज़ाइन के मामले में बहुत ही सही लगती है स्मार्ट वॉच। और अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, HD डिस्प्ले है ये। और यहाँ पे जो बेजल्स वगैरह है, नॉर्मली जो बजट है स्मार्ट वॉच का, इस बजट में ये जो बेजल्स है लगभग आपको सभी स्मार्ट वॉच में इतने ही देखने को मिलते हैं। बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, तो यहाँ पे थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ मैं डिस्प्ले क्वालिटी को लेकर। जो कलर्स वगैरह है वो ज़्यादा पंची यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते, डिस्प्ले जो है आपको फीका फीका देखने में लगेगा। और साथ ही अगर आउटडोर विजिबिलिटी की बात करूँ, तो वहाँ पे भी जो है डायरेक्ट सनलाइट में इतनी बेटर विजिबिलिटी यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में नहीं है स्मार्ट वॉच की। और स्मार्ट वॉच में यहाँ पे आपको 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाते हैं, और कस्टमाइज वॉच फेस भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हो ऐप के थ्रू। साथ ही टोटल 10 स्पोर्ट्स मोड यहाँ पे दिए गए हैं, जो मेन स्पोर्ट्स एक्टिविटी है सिर्फ वही जो है यहाँ पे कवर की गई है। तो स्पोर्ट्स मोड थोड़े और एक्स्ट्रा इस स्मार्ट वॉच में होने चाहिए थे। और स्मार्ट वॉच में आपको जो है म्यूजिक कंट्रोल और कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और इस स्मार्ट वॉच की एक अच्छी बात मुझे लगी कि IP68 की रेटिंग से यहाँ पे आपको मिल जाती है, और 5 मीटर की डेप्थ तक आप आधे घंटे में स्मार्ट वॉच को पानी में रख सकते हो, यानी कि आप इसको लेके स्विमिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो आपके स्मार्टफोन में एप्लीकेशन है उनके सभी नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं, बस आपको एप्लीकेशन में से उन्हें परमिशन अलाउ करनी होगी। और साथ ही स्मार्ट वॉच में आपको हर्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग और स्लीप ट्रैकिंग देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो हर्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग है, दोनों को मैंने प्रोक्सीमीटर के साथ चेक करके देख लिया है, तो रीडिंग्स लगभग आपको सही देखने को मिल जाती है। बात करते हैं स्मार्ट वॉच की बैटरी की, तो 220mAh की बैटरी यहाँ पे आपको मिल जाती है। और स्मार्ट वॉच को जो मैंने यूज करके देखा है उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊं, तो अगर आप इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग वगैरह अगर रिसीव करते हो तो वहाँ पे आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिलेगा, और अगर आप बगैर ब्लूटूथ कॉलिंग के स्मार्ट वॉच को यूज़ करते हो तो लगभग 3 से 4 दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही जो चार्जिंग टाइम है वो यहाँ पे 2 घंटे का होने वाला है। बात करते हैं अब स्मार्ट वॉच के ब्लूटूथ कॉलिंग की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कॉलिंग क्वालिटी मिल जाती है। स्पीकर भी इसका यहाँ पे आपको लाउड सुनने को मिल जाता है, तो कॉलिंग में आपको कोई इशू नहीं होगा स्मार्ट वॉच से। बाकी इस स्मार्ट वॉच में आप अपने स्मार्टफोन का जो भी म्यूजिक वगैरह है वो भी इस स्पीकर की हेल्प से सुन सकते हो। और अब बात करते हैं स्मार्ट वॉच के UI के और टच एक्सपीरियंस की, तो यहाँ पे जो UI है काफ़ी हद तक क्लीन है, बट जो एनिमेशन स्पीड है वो काफ़ी स्लो यहाँ पे मुझे लगी। और जैसे आप बच्चों के कुछ गैजेट्स देखते हो उन्हें यूज़ करते हुए, वैसे ही कुछ फील यहाँ पे आपको इस स्मार्ट वॉच के साथ मिलेगी। और टच रिस्पॉन्स भी जो है बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है, थोड़ा आपको स्मार्ट वॉच को जो है फोर्सफुली स्क्रीन पे प्रेस करना पड़ता है जब जो है इसका टच अच्छे से वर्क करता है। तो गाइस, अब आप लोगों ने यहाँ पे देखा, मैंने इस स्मार्ट वॉच के जो भी सभी फीचर्स है आपको थोड़ा जल्दी बता दिए, वो इसलिए क्योंकि सीधा मैं आपको बताऊं, मैं ये स्मार्ट वॉच आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा खरीदने के लिए, क्योंकि इस स्मार्ट वॉच का जो बजट है वो अराउंड आपको 2500 से लेके 3500 तक ये देखने को मिल जाती है, ऑफलाइन मार्केट में भी और ऑनलाइन मार्केट में भी अलग अलग प्राइजेज हैं इसके। बट यहाँ पे इस बजट में, इस स्मार्ट वॉच में काफ़ी कुछ कमियाँ मुझे लगी,
और यहाँ पे अगर आप दूसरे स्मार्ट वॉच जैसे बोट इंडियन ब्रांड है अगर उसके स्मार्ट वॉच लेते हो इस बजट में तो काफ़ी अच्छी वहाँ पे आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है। नो डाउट ये जो स्मार्ट वॉच है इसका लुक्स डिज़ाइन और टच फील वगैरह काफ़ी सही है, अट्रैक्टिव लगती है स्मार्ट वॉच, प्रीमियम भी लगती है, बट जब आप इसे यूज़ करोगे तो वो फील आपको नहीं मिलेगी। पहला डिस्प्ले जो मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी मतलब जो कलर्स वगैरह है वो पंची नहीं है, टच रिस्पॉन्स की बात करें, यूआई की जो एनिमेशन स्पीड है उसकी बात करें वो सब काफ़ी स्लो है, और बाकी जैसे कि स्मार्ट वॉच में आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, बट गाइज ये स्पीकर जो है जैसे आपके पास कोई कॉल आती है उस टाइम भी इससे कोई साउंड नहीं आएगी या कोई नोटिफिकेशन वगैरह आएगा, सिर्फ स्मार्ट वॉच जो है वाइब्रेट करती है अलार्म के टाइम भी कॉलिंग के टाइम भी। तो ये स्पीकर देने का क्या मतलब है, क्या सिर्फ इससे आपको जो गाने हैं वहीं सुनने हैं स्मार्टफोन से? बाकी गाइज मैंने रिंगटोन से रिलेटेड अच्छे से सभी फीचर्स चेक कर लिए, मुझे तो ऐसा कोई फीचर्स नहीं मिला। अगर आप लोगों में से किसी ने इस स्मार्ट वॉच को बाय कर रखा है उसके में रिंगटोन वगैरह बजती है साउंड आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और एक और सबसे बड़ी कमी, ये जो स्मार्ट वॉच है चाइनीज़ ब्रांड की स्मार्ट वॉच है, चलो वो तो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्मार्टफोन हैं वो चीज़ हैं वो भी चाइनीज़ ब्रांड के आते हैं, बट इसमें क्या है जैसे अगर आपको इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो इसका ये कार्ड दिया गया है इस पर क्यूआर कोड है या फिर स्मार्ट वॉच में भी आपको क्यूआर कोड मिल जाता है, उसको स्कैन करोगे तो एक वेबसाइट ओपन होगी, वहाँ से आपको इसकी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, तो वो सेफ बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस टोटली मैं इस स्मार्ट वॉच को जो है बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा आप लोग इसे बाय करें, इससे अच्छा तो और भी बहुत सारे स्मार्ट वॉच हैं, वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे चैनल पे, जाइए चेकआउट कीजिए और उनमें से आप अच्छे वॉच सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो प्रोटोनिक्स क्रोनोस गामा स्मार्ट वॉच को लेकर, उम्मीद करता हूँ रिव्यू जो है आप लोगों के लिए जरूर से हेल्पफुल रहा होगा, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है, इसके अलावा कोई भी आपका ओपिनियन है क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से टाइप कीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों के साथ मिलता हूँ एक नए फ्रेश वीडियो के साथ, चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।